हाय पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज मैं लेकर आई हूँ पिनाटा केक, इसको हैमर केक भी बोलते हैं। अब मैं आपको बिना मोल्ड के बहुत ही आसान तरीके से इसको घर में कैसे बनाते हैं ये दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम केक बनाएंगे। केक के लिए हमको चाहिए 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी पिसी हुई चीनी। इधर मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और उससे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इधर मैंने आधा कटोरा दूध लिया है। मैंने पाइनएप्पल एसेंस लिया है। इधर मैंने 1 चम्मच विनेगर लिया है और मैंने इधर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम केक बनाएंगे। केक बनाने से पहले मैंने इधर एक बर्तन लिया है और इसके अंदर मैंने बुक का एक पेपर रख के इसको ऑयल लगा के ग्रीसिंग करके लिया है। हमको बटर पेपर की ज़रूरत नहीं है, हम इसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर एक बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा दूध डाल के लेती हूँ और इसके अंदर मैं ऑयल डाल के लूँगी और मैं इसको अच्छी तरह खिला के लेती हूँ। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये विनेगर भी डाल के लेती हूँ और इसको भी अच्छी तरह मैं मिला के लूँगी। तो देखिए हमको अच्छी तरह इसको मिक्स करके लेना है। तो हम इसको 5 मिनट ऐसे ही ढक के रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे। चीनी भी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करके लेंगे। हमको एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है। तो ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के लेती हूँ। हमको एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा ये डो बहुत ही पतला हो जाएगा। तो ये देखिए इसको और इसमें मैं और थोड़ा पानी डाल के लेती हूँ। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेते हैं। तो ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 से 3 बूंद पाइनएप्पल एसेंस डालूंगी। तो मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल के लिया है। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करके लेती हूँ और मैं अब इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल के लेती हूँ और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके लेती हूँ। तो ये मिक्स करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और केक का बैटर थोड़ा सा फूल जाएगा। मैंने गैस पे कुकर प्रीहीट करने के लिए रखा है। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस डो को इसके अंदर निकाल के लेती हूँ। तो मैंने पूरा बैटर इसके अंदर डाल के लिया है। तो चलिए अब मैं इसको कुकर पे चढ़ाती हूँ। इसको हम एक दो बार ऐसे टैप करेंगे, इसके अंदर के एयर बबल्स बाहर निकल के जाते हैं। तो ये देखिए मैंने इधर कुकर 10 मिनट प्रीहीट करके लिया है। इसके अंदर मैं ये बर्तन रखूंगी और कुकर में रिंग और इसका सीटी निकाल के मैं इसको 35 मिनट के लिए बेक करती हूँ। तो चलिए हम इसको बेक करके लेते हैं। तो चलिए हमारा केक बेक होने तक हम पिनाटा केक का ऊपर का चॉकलेट की कोटिंग तैयार करते हैं। मैंने इधर व्हाइट कंपाउंड लिया है तो इसमें से मैं थोड़ा चॉकलेट निकाल के इसको डबल बॉइलिंग मेथड से इसको मैं
पतला करके लेती हूँ। तो मैं पहले चॉकलेट चाकू की सहायता से ऐसे निकाल के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं ऐसे पूरा चॉकलेट निकाल के इस बर्तन में डाल के लेती हूँ। तो चलिए मैं सभी कट करने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 35 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसमें चाकू डाल के देखा है तो ये पूरा तरह साफ आ रहा है। तो चलिए मैं कुकर की फ्लेम बंद करके लेती हूँ और इस केक को बाहर निकाल के ठंडा होने देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने व्हाइट कंपाउंड को अच्छी तरह कट करके एक बर्तन में डाल के लिया है। अब मैंने गैस पे एक बर्तन रखा है और मैं उसमें पानी डाल के उसको उबलने देती हूँ। तो ये देखिए, ये पानी उबलने तक हम वेट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा पानी थोड़ा उबल रहा है तो हम चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करने वाले हैं। तो मैं इस बर्तन को इसके अंदर डालूंगी और इसको चम्मच की सहायता से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घुमाऊंगी तो हमारी चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, नीचे के साइड में हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। तो चलिए मैं इसको पूरा मेल्ट करके लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारी चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए, मैं इसको और 1 मिनट के लिए ऐसे ही, हमको गैस की फ्लेम लो ही रखनी है नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको और 1 मिनट ऐसे ही घुमा के पतला करके लिया है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो मैंने इसको नीचे उतार के लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा घी लगाऊंगी क्योंकि मैं बिना मोल्ड के पिनाटा केक बना रही हूँ। तो मैंने ऐसा एक बर्तन लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा घी लगा के रहती हूँ क्योंकि पिनाटा निकालते वक्त बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसमें ये चॉकलेट फिल करती हूँ और इसको अच्छी तरह सभी जगह लगा के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको सभी जगह लगा के ले रही हूँ। तो हमको चॉकलेट को ऐसे अच्छी तरह लगा के लेना है। तो चलिए मैं सभी जगह ऐसे लगा के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह कोटिंग करके लिया है। अब मैं इसमें फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगी। तो चलिए मैं अब इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा चॉकलेट अच्छी तरह जम चुका है। तो चलिए अब हम इसको एक दूसरी लेयर देंगे। तो जिधर जिधर हमको पतला लग रहा है उधर हम इसको दूसरी लेयर देंगे। तो ये देखिए, ऐसे चम्मच की सहायता से आप इसको दूसरी लेयर दे सकते हैं। हमको जिस साइड को थोड़ा पतला लग रहा है उधर हम ऐसे चॉकलेट लगाते हुए जाएंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा होने की वजह से हमारा चॉकलेट इधर जल्दी जम जाएगी। ये देखिए, हमको साइड को थोड़ा सा ज़्यादा चॉकलेट लगाना है क्योंकि निकालते वक्त ये इधर से टूट ना जाए। तो ये देखिए, मैंने इधर जिधर पतला दिख रहा है उधर सभी चॉकलेट की कोटिंग कर ली है। ये देखिए, तो चलिए इसको हम 5 मिनट के लिए फिर फ्रिज में रखेंगे। हमारा केक पूरी तरह ठंड हो चुका है। तो चलिए हम इसको अभी निकाल के लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा केक कितना मस्त बना है। तो चलिए हम हवाई पेपर निकाल के लेते हैं। ये देखिए, इधर कुछ भी नहीं चिपका है। तो चलिए मैं इसको अभी एक प्लेट में निकाल के लेती हूँ। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट गनाची डालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, मैं ये केक रखते वक्त
मैं इसे उल्टा रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने इस केक को ऐसे रखा है और इसको मैं फोर्क से ऐसे होल करके लेती हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर अभी शुगर सिरप डालने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने इधर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी, और इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के लिया है, और मैंने इसको चम्मच से मिक्स करके लिया है। तो चलिए इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके लेते हैं। आप इसमें एक बूंद पाइनएप्पल इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, अब मैं ये शुगर सिरप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, तो हमारी आइसिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं पिनाटा के अंदर ही डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने इधर क्रीम का यूज नहीं किया है। मैं आपको सिंपल तरीके से पिनाटा केक घर में कैसे बनाते हैं ये दिखा रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह बनता है। तो ये देखिए, इसको मैं 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगी, क्योंकि ठंडा हो जाए। तो चॉकलेट गनाची बनाने के लिए मैंने जो चॉकलेट लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी। हमको एक ही चम्मच दूध डालना है और इसको अच्छी तरह मिला के लेना है, और इसको आप गैस पे 1 मिनट डबल बॉइलिंग मेथड से इसको और एक बार गर्म करना है। तो ये देखिए, मैंने इसको गैस पे थोड़ा दूध डाल के चला के लिया है, तो हमारी चॉकलेट गनाची तैयार है। तो चलिए, अब मैं केक को बाहर निकालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने केक को बाहर निकाल के लिया है। अब मैं इसको उल्टा करूँगी और मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाची डालूँगी। तो ये देखिए, हमको इसके ऊपर चॉकलेट गनाची डाल के लेना है। तो ये देखिए, ऐसे पूरी तरह हम इसको फैला के लेते हैं। मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गनाची डाल के लिए, अब मैं थोड़ा इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। डेकोरेट करने से मैं पहले मैंने इधर चॉकलेट डार्क कंपाउंड को पिघल के लिया है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा डाल के फिर डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, आप इसको ऐसे इस तरह से डाल के ले सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए हमारा केक कितना मस्त दिख रहा है। तो चलिए, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा शुगर स्पॉल डाल के देती हूँ। तो आप आपके हिसाब से इसके ऊपर कौन से भी शुगर स्पॉल डाल के ले सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको अभी फ्रीजर में रखूँगी। ये देखिए कैसे दिख रहा है, चलिए इसको फ्रीजर में रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने पिनाटा को बाहर निकाल के लिया है। अब हम इसको थोड़ा ऐसे हिलाते हुए निकालेंगे। वाह, ये देखिए हमारा पिनाटा कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है। तब तक मैं इसको इसके अंदर ही रहने देती हूँ, मैं आपको ये बाद में निकाल के दिखाती हूँ। अब सबसे पहले मैं केक को इधर रखूँगी, और हमने जो ये चॉकलेट का पेस्ट बना के लिया है, वैसे प्लास्टिक की सीट हमको मिलती है, इसके अंदर हम इसको डाल के लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको डालने से पहले इधर एक छोटा सा होल बना के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इधर छोटा सा होल बना के लिया है। अब मैं इसमें ये चॉकलेट का पेस्ट डाल के लेती हूँ। पेस्ट डालने से पहले हमको प्लास्टिक की सीट को ऐसे करके लेना है। तो चलिए, अब मैं इसमें पेस्ट डाल के लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर एक पेस्ट डाल के लिया है। तो चलिए, इसको मैं अभी निकाल के लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये पिनाटा निकाल के रखूँगी, तो हमको सावधानी से इसको निकाल के रखना है। तो ये देखिए, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगी। तो ये देखिए कितना मस्त दिख रहा है हमारा पिनाटा।
तो चलिए अब मैं इसको, हमने जो चॉकलेट इसमें डाल के लिया था, इससे इसके ऊपर नाम लिखूंगी। मैं मेरे हस्बैंड के बर्थडे है इसलिए मैंने केक बनाया है, तो मैं उनका नाम इसके ऊपर लिखूंगी। तो चलिए मैं इस पे नाम लिख के लेती हूँ, आप ऐसे नाम लिख के लेना है। तो ये देखिए, आप इसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे ही आप सभी जगह हार्ट से बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप आपके मनपसंद से डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने ऐसे डिजाइन बना के लिए, तो चलिए इसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखते हैं और मैं बाद में दिखाती हूँ। तो मेरी ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए अब मैं इसको आधा घंटे के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसको फ्रिज में से बाहर निकाला है और इसको मैंने स्प्रिंकलर डाल के सजाया है। तो चलिए अब हम पिनाटा को फोड़ेंगे। तो चलिए अब हम पिनाटा को फोड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सुनील, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो देखिए मैंने पिनाटा को फोड़ के लिया है। तो चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।